आपको दिख रहा होगा आमेर पैलेस और आमेर महल, तो इसके अंदर अभी चलता हूँ मैं। आपको सामने दिख रहा होगा लाइटें वाइटें दिख रही होंगी, लाइट जो लगा रखी है उससे आपको अंदर का दिख सके व्यू अच्छा सा, सुंदर सा लाइटों के साथ। देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है। दीवाने आम देख सकते हैं आप, दीवाने आम। और ये नीचे का व्यू पैलेस के देख सकते हैं आप, और पूरा उधर साइड में भी ये है दीवाने खास। तो यहाँ पे मतलब राजा के खास लोग जो थे वो रहते हैं। दिख रहा है इसमें पूरा ग्लास लगे हुए हैं। सिंह का महल है, इससे पहले मैंने आपको दिखाया था दीवाने आम और दीवाने खास, और इसको बनने में लगभग 25 वर्ष लगे थे यहाँ पे। हेलो दगड़ियों, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते बैलाग। और अभी मैं जा रहा हूँ जयपुर से, लगभग 2 किलोमीटर दूर है आमेर फोर्ट, जहाँ पे मतलब आपने आपको वो मूवी याद होगी सलमान खान की वीर, उसकी शूटिंग हुई थी। तो मैं अभी वहाँ पे जा रहा हूँ और मैं मिलता हूँ सीधे आपसे आमेर फोर्ट में, क्योंकि शाम हो चुकी है, अंधेरा भी बहुत हो गया है, तो देखना पड़ेगा अभी नीचे जाके होटल से। तो मिलते हैं फिर आगे आमेर फोर्ट में आपसे। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था कि मैं जा रहा हूँ अभी आमेर पैलेस, सामने आपको दिख रहा होगा आमेर पैलेस और आमेर महल, तो इसके अंदर अभी चलता हूँ मैं। आपको सामने दिख रहा होगा लाइटें वाइटें दिख रही होंगी, क्योंकि मेरी यहाँ पे रात का सीन ही मतलब सही आता है, तो इसलिए मैं भी रात के टाइम मतलब शाम के टाइम पर आ रखा हूँ, क्योंकि लाइटिंग वाइटिंग का बहुत अच्छा रहता है मैंने सुना है। तो चलते हैं अंदर, फिर दिखाता हूँ मैं आपको आगे। देख सकते हैं आप के अंदर पे, यहाँ पे इस पैलेस के अंदर पे यहाँ पे काफ़ी सारे आइटम्स भी मिल रहे हैं, जूते चप्पल सैंडल पर्स बाकी बहुत कुछ। तो हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है महल के लिए पैदल रास्ता यहाँ से है, और सीढ़ियाँ चढ़ के मैं थक भी गया हूँ, सांसें फूल रही हैं। तो चलते चलते मैं पहुंच चुका हूं आमेर पैलेस के गेट के सामने, मेन गेट के सामने, और सामने आपको दिख रहा होगा। चलते अंदर। देख सकते हैं सामने इधर पे तोप रखी हुई है कि, और उधर पे भी एक तोप रखी हुई है। और मैं आपको ये बता दूं, ये आमेर पैलेस जो है यहाँ पे हुई थी, एक मूवी आई थी सलमान खान की वीर, उसकी शूटिंग हुई थी यहाँ पे। तो मैं अभी ऑटो से आ रहा था, तो मेरे को ऑटो ड्राइवर ने बताया कि यहाँ पे उसकी शूटिंग हुई थी सलमान खान की मूवी वीर की। देख सकते हैं पूरे लाइटें वाइटें हर जगह। तो आपको सामने दिख रहा होगा सीसीटीवी कैमरा लगा है, तो कैमरे की निगरानी पे भी कबूतर बैठा हुआ है। और मैं पहुंच चुका हूं आमेर पैलेस के अंदर, और अभी मैं जा रहा हूं टिकट लेने के लिए। और ये पैलेस के अंदर ही टिकट काउंटर भी सामने है, टिकट काउंटर, तो लेते हैं टिकट, तो उसके बाद चलते हैं ऊपर की साइड में। और बाहर साइड देख सकते हैं अभी भी पूरा काफ़ी सुंदर सा आ रहा है, अभी लाइटें वाइटें लगा के ये सामने टिकट काउंटर, तो टिकट लेते हैं फिर उसके बाद चलते हैं अभी। तो अब चलते हैं अंदर ऊपर की साइड, क्योंकि ऊपर की साइड से ही सही सा व्यू दिखेगा। तो ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप माता रानी की यहाँ पे झंडे लगे हुए हैं, और सामने ही मंदिर भी है, क्योंकि मेरे को लेट हो रहा है अभी, तो मैं मंदिर नहीं जाऊँगा अभी, इसके लिए फिर आपको जूते
और बाकी अपना जो भी बेल्ट वेल्ट पर्स वर्स सब बाहर छोड़ना पड़ेगा, तो इतना टाइम हो नहीं पाएगा अभी, इसलिए तो मैं जा नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। माता रानी चलते हैं ऊपर की तरफ, और मैं आपको यहाँ से भी दिखाता हूँ नीचे का लाइटें वाइटें पूरी लगी हुई है, यहाँ से भी काफ़ी सुंदर लग रहा पूरा, देख सकते हैं आप नीचे की लाइट, नीचे भी लाइटें लगा रखी है, और नीचे लाइटें ऐसे लग रही कि यहाँ पे दिए जला रखे हैं पूरा। देख सकते हैं ये ऊपर साइड का नज़ारा है पैलेस के, मतलब मैं आपको बता दूं ये मतलब यहाँ पे और वैसी लाइटें क्यों नहीं है, क्योंकि इसको जो लाइटिंग का मतलब शो जो चल रहा है, लाइटिंग वाइटिंग जो अंदर पे लाइटें लगा रखी हैं, तो इसीलिए यहाँ पे बाहर की लाइटें नहीं लगा रखी हैं, ताकि अंदर का मतलब ये लाइट जो लगा रखी है उससे आपको अंदर का दिख सके व्यू अच्छा सा सुंदर सा लाइटों के साथ। देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है व्यू, और मैं अभी आपको यहाँ से नीचे का व्यू भी दिखाता हूँ। दीवान आम देख सकते हैं आप, दीवान आम राजा का मुख्य दरबार कक्ष था, जहाँ पे वे अपने प्रजा सभासदों अधिकारी वर्ग से मिलते थे। इसकी बनावट मुगलकालीन महलों से मिलती जुलती है, विशेष अवसरों पर तथा विजय उत्सव, दशहरा, जन्मदिवस पर आदि समारोह में मनाए जाते थे। मतलब ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ दिखाया गया है कि यहाँ पे क्या क्या होता था, ये दीवान आम है। और ये नीचे का व्यू पैलेस के दे सकते हैं आप, और पूरा उधर साइड में भी काफ़ी सुंदर व्यू आ रहा है अभी, इसीलिए यहाँ पे और लाइटें नहीं लगाई गई हैं, क्योंकि इसकी सुंदरता को दिखाने के लिए ये मेन लाइटें जो हैं वो लगवा रखी हैं यहाँ पे अभी। तो जैसा कि आपने पहले नीचे देखा था वो था दीवाने आम, और ये है दीवाने खास। तो यहाँ पे मतलब राजा के खास लोग जो थे वो रहते थे, और नीचे तो आम लोग रहते थे। बाकी अंदर देखते हैं और कैसा कैसा बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, देखते हैं। हाँ लग तो रहा है कि ग्लास ही। तो देख सकते हैं दिख रहा है इसमें पूरा ग्लास लगे हुए हैं। ये राजा के खास लोगों के लिए था। तो मैं चलने के बाद थोड़ा सा आगे जाने के बाद मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे, देख सकते हैं आप ये राजा मानसिंह का महल है। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था दीवाने आम और दीवाने खास, और इसको बनने में लगभग 25 वर्ष लगे थे यहाँ पे लिखा हुआ है, और मतलब स्टार्टिंग में इसे ही पूरा महल के रूप में बनवाया गया था। देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये। तो आज आप लोग ने मेरे साथ देखा आमेर फोर्ट, आमेर पैलेस। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया दीवाने आम, दीवाने खास और राजा मानसिंह का महल। तो मैं इसके बाद मैं जाता हूँ होटल में, क्योंकि अंधेरा बहुत हो चुका है, रात के मतलब 8 बजने वाले हैं। और मैं उम्मीद करूँगा आज की वीडियो देख के आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप जयपुर आएँ तो आमेर पैलेस ज़रूर आएँ, और मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।